अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आईटी स्पॉट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप तमाम व्यूअर्स को वंस अगेन मैं वेलकम करता हूँ। और आज ही से हम शुरू कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 इस वक्त का जो करंट एडिशन है, मार्केट में है, उसको हम न सिर्फ सीखेंगे बल्कि इस पे हम प्रैक्टिकल भी करेंगे और इसकी थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कंप्लीट कोर्स और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कंप्लीट इंट्रोडक्शन मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में दे चुका हूँ। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो वीडियो जरूर वॉच कर लें, और उन वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दिया गया है ताकि आप अच्छे से समझ सकें। जो बिल्कुल बिगनिंग से सीख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, उनको अच्छे से समझ आ सके कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्चुअल में है क्या और इस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के कितने पैकेजेस हैं और इन तमाम अलग अलग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन से हम क्या क्या सीख सकते हैं। तो खैर, फर्स्ट स्टेप में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का क्लास का आगाज कर रहे हैं, स्टार्टअप ले रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से। और वर्ड का मैं आपको इंट्रोडक्शन देता चलूं कि वर्ड में बेसिकली हम मुख्तलिफ टाइप और मुख्तलिफ नोयत के डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं। इन डॉक्यूमेंट्स की नोयत अलग अलग होती है, लेटर हेड भी हो सकता है, कोई नोटिफिकेशन लेटर भी हो सकता है, या किसी भी किस्म के डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो अज्जा होते हैं वो चीज़ें उसमें हम ऐड कर सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंटरफेस देखने के लिए हमें चलना होगा कंप्यूटर स्क्रीन पर। और कंप्यूटर स्क्रीन पर जाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर इस क्लास से अबाउट अगर आपका कोई सवाल हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज ज़्यादा आपके लिए ऑथेंटिक तरीका ये रहेगा कि आप फेसबुक का जो आईटी स्पॉट का ग्रुप है, आईटी स्पॉट कम्युनिटी ग्रुप, आप वहां से डायरेक्टली पूछ सकते हैं, क्योंकि उस टॉपिक के अबाउट, उस टॉपिक से रिलेटेड एक पोस्ट भी डायरेक्ट पब्लिश कर दी जाती है। जैसे ही वीडियो पब्लिश होती है तो वहां पर एक पोस्ट भी क्रिएट कर दी जाती है, और उस पोस्ट से और उस पोस्ट में जो इस क्लास इस टॉपिक के अबाउट जो सवाल होते हैं वो हम डेफिनेटली आपको न सिर्फ जवाब देंगे बल्कि आपकी हर मुमकिन हेल्प करेंगे कि आप इस आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके। तो गाइस, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंटरफेस किस तरीके का है और उसमें हम क्या क्या सीखने वाले हैं। ऑलराइट गाइस, मैं आ चुका हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, और सबसे पहले हम देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जो कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में सीखा थे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का सेटअप कैसे इंस्टॉल करते हैं। और आप सबके माइंड में होगा कि आफ्टर इंस्टॉलेशन उनकी तमाम फाइल्स कहाँ जाती हैं और इंस्टॉल होने के बाद हम किस तरीके से इनको फाइंड कर सकते हैं। तो फाइंड करने के डिफरेंट तरीके हैं। तो अगर आप स्टार्ट मेन्यू को क्लिक करेंगे अपने कंप्यूटर की, तो यहाँ पर आपको मुख्तलिफ सेक्शंस पर ऑफिस के सेटअप्स मिलते हैं, क्योंकि जो जैसे कि एक्सिस आप इस वक्त स्क्रीन पर देख सकते हो, इसके अलावा एमएस वर्ड, डब्ल्यू वर्ड नीचे होगा तो हमारे पास एमएस वर्ड सबसे लास्ट में होगा। तो इसी तरीके से भी यहाँ पर आप क्लिक करके इस एप्लीकेशन को रन कर सकते हो। अदरवाइज एक ऑप्शन और होता है कि आप टाइप सर्च बार में आपने जस्ट लिखना है विन वर्ड। आप जैसे ही विन वर्ड लिखोगे तो आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंटरफेस और इसकी एप्लीकेशंस रन हो जाएगी। और इसका इंटरफेस कुछ इस तरीके का है कि आपको इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं, बिल्कुल इजी इंटरफेस है, और इसको एक एक चीज़ हम समझेंगे और एक एक चीज़ को हम अंडरस्टैंड करेंगे कि इसके ज़रिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप स्क्रीन देख सकते हो, ये वो डॉक्यूमेंट है जिस पर मैं काम कर चुका हूँ या काम कर रहा हूँ, और उनकी फाइल्स मेरे कंप्यूटर में सेफ है। और यहाँ से कुछ बने बनाए प्रीसेट्स होते हैं जो इनके टेम्पलेट्स कहलाते हैं, जो कि हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरफ से प्रोवाइड किए जाते हैं। और यहाँ पर भी हम किसी भी टेम्पलेट या इसके प्रीसेट्स को क्लिक करके हम अपने काम को आसान कर सकते हैं। लेकिन अब तक के लिए हम चूज करेंगे ब्लैंक डॉक्यूमेंट, और ब्लैंक डॉक्यूमेंट के लिए जस्ट आपको क्लिक करना होगा। इसके अलावा यहाँ से भी आप न्यू फाइल को क्रिएट कर सकते हो, इसके नीचे ही है, ये होम टैब था आपका और ये न्यू टैब है।
न्यू टैब में भी ब्लैंक डॉक्यूमेंट को क्लिक करके आप अपना डॉक्यूमेंट को कैनवा स्क्रीन पर ला सकते हैं। इसके अलावा थोड़ी बात कर लेते हैं इसके जो प्रीसेट्स हैं, जो इसके टेम्पलेट्स हैं, उसमें बहुत सी टाइप के मुख्तलिफ नौइयत के डॉक्यूमेंट आपके सामने आ रहे होंगे, जिसपे आप देख सकते हो कि कवर लेटर वगैरह, इसके अलावा जो रिज्यूम होता है, उसके अलावा जो सीवी वगैरह और कैलेंडर्स वगैरह, फ्लैट ब्रोशर्स वगैरह, जो बेसिक चीज़ें होती हैं उनकी क्रिएटिविटी की, वो हम क्रिएटिविटी करके हम अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट वगैरह करते हैं। अमूमन आपने ऑफिस में देखा होगा। इसके अलावा सर्टिफिकेट वगैरह, जो भी आप अपने काम को शॉर्ट तरीके से इसको टेम्पलेट को इस्तेमाल कर सकते हैं। बट इस वक्त तो हम सीखने आए हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक एक टूल, एक एक टैब को, तो दैट्स वाई मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि अभी के लिए आप इन टैब्स को क्लिक करें या इन पर काम करें, क्योंकि जब तक आपको इनके टूल्स, इन टेम्पलेट को भी कस्टमाइज करने के लिए आपको इनके टूल्स और इनके जो टैब्स होते हैं उनकी नॉलेज और उनकी अंडरस्टैंड जरूरी होती है, और उसके अबाउट आपको मालूम होना जरूरी होता है, अदरवाइज ये टेम्पलेट वगैरह आपके लिए बेकार है। यहाँ पर देखते हैं ओपन का ऑप्शन है। ओपन का ऑप्शन के जरिए ये हो सकता है कि जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि मैं जिन डॉक्यूमेंट्स पर काम कर चुका हूँ उसको सामने स्क्रीन पर आपने देखे, तो यहाँ से भी हम अपने कंप्यूटर में ब्राउज करके डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं। अगर आपके अदर डिवाइस ड्राइव पर पड़ी है, वन ड्राइव हो गया, डिस्क पीसी का मतलब होता है आपके कंप्यूटर में, और एडा प्लेस का मतलब होता है किसी ऑनलाइन जगह से आप अपने डॉक्यूमेंट को पिक कर सकते हो। अगर आपका डॉक्यूमेंट किसी ऑनलाइन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पड़ा है, लाइक किसी वेबसाइट वगैरह या अदर सोर्सेज जो होते हैं, वहां से आप पिक कर सकते हो, या तो फिर आप सिंपल ब्राउजर कर सकते हैं। हम चलते हैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट की तरफ, और ब्लैंक डॉक्यूमेंट में आप देख सकते हो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो इंटरफेस है वो कुछ इस तरीके का होगा, जहां पे आप अपना, इसके ऊपर जो आप देख रहे हैं ये टाइटल बार कहलाता है, और ये कहलाता है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। ये बेसिकली क्विक एक्सेस टूल बार है, जिसके जरिए जो जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के जो जो बेसिक और जो ज्यादा यूज्ड होने वाले टूल होंगे, वो इनकी एक आपको लिस्ट बना के दे देगा कि इन तमाम ऑप्शंस को आप यहाँ पर एज एन शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हो, ताकि कभी जब आप कोई बड़ा काम कर रहे हो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर, तो ये तमाम शॉर्टकट कीज के जरिए आपका ना सिर्फ काम आसान हो जाता है, बल्कि आपके वक्त की बचत भी होती है। ये सर्च बार है जिसके जरिए हम मुख्तलिफ चीज़ें सर्च कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ही अंदर, चाहे वो कोई फॉन्ट हो या कोई भी टूल हो या कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह हो, तो हम उसको सर्च कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज के ऑप्शंस होते हैं, जिसको क्लिक कर देने से आपका कंप्लीट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो क्लोज हो सकता है। और ये जो आप देख रहे हैं फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू एंड हेल्प, ये तमाम टैब्स होते हैं, और हर टैब्स मेन्यू बार भी कहलाते हैं, और ये इन तमाम टैब्स की अपनी अपनी एक प्रॉपर्टी होती है। फॉर एग्जांपल होम टैब में इसके अबाउट ही प्रॉपर्टी है, जिसपे फॉर्मेटिंग वगैरह के फीचर्स हमें ज्यादा नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से हम जब अपना कंटेंट राइट करेंगे तो किस तरीके से हम उसे फॉर्मेट करेंगे, इसकी पैराग्राफ की सेटिंग करेंगे, और उस पर कलर्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, या तो फिर इनके स्टाइल वगैरह और फाइंड रिप्लेस के ऑप्शंस वगैरह होते हैं। इसके बाद इंसर्ट टैब पे भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। ठीक इसी तरीके से इंसर्ट का मतलब आपको पता चल गया होगा कि कोई भी चीज ऐड करना हमारे डॉक्यूमेंट में, तो इंसर्ट का काम उसी में होगा। ठीक इसी तरीके से डिजाइन की अपनी प्रॉपर्टी, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू एंड व्यू। हेल्प का इतना ज्यादा यूजफुल नहीं होता, अगर कोई आपको इसका अबाउट कोई हेल्प चाहिए होती है तो वहां से आप अपना फीडबैक वगैरह, या तो आप कॉन्टेक्ट, इनके सपोर्ट सेंटर जो होते हैं वहां से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त के लिए आपके कॉन्टेक्ट सपोर्टर इस वक्त कम है। अगर आपको कोई सवाल हो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो किसी भी ऑफिस के अबाउट, तो आप बिला झिझक हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। और फाइल टैब है, ये फाइल टैब का बिल्कुल ही एक अलग काम है, जिसको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। फाइल टैब से स्टार्ट लेंगे,
और सीखने का क्राइटेरिया क्या होगा कि जैसे कि अगली क्लास जो बनेगी वो फाइल टाइप की बनेगी, और उसके बाद इससे नेक्स्ट क्लास जो बनेगी वो बनेगी होम टैब, इंसर्ट टैब, डिजाइन टैब, लेआउट टैब, इसी तरीके से एक एक मेन्यू और उसकी प्रॉपर्टीज सब कंप्लीट एक क्लास पर मुश्तमिल होगी, जो कि आपको सीखने में ना सिर्फ आसानी होगी बल्कि आपके जो माइंड माइंड सेट क्रिएट हो जाएगा कि किस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को सीखा जा रहा है। अगर आप किसी भी अदर इंस्टीट्यूट या कोई भी कोचिंग सेंटर्स वगैरह यूज ज्वाइन करते हैं तो डेफिनेटली वहाँ पे इनके पास टाइम शॉर्ट होता है, वो बिल्कुल शॉर्ट बेसिक चीज़ें जो होते हैं वो बता देते हैं कि किस तरीके से आप कंटेंट को राइट कर सकते हो, किस तरीके से फॉर्मेट कर सकते हो, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन वगैरह, तो बिल्कुल बेसिक काम समझा के वो महीने के अंदर अंदर आपका पूरा पूरा एमएस ऑफिस खत्म करवा देते हैं। बट मुझे समझ नहीं आता कि इतना जल्दी कैसे पॉसिबल है। तो खैर हम तो बिल्कुल डीप वाइज सीखेंगे, हमें कोई जल्दी नहीं, तो बिल्कुल एक एक क्लास को हम सीखेंगे। और आज के इंट्रोडक्शन क्लास में मैंने आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंटरफेस दिखाया, किस तरीके से इसका इंटरफेस होता है और किस तरीके से हम इसे इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पर हम अपनी क्रिएटिविटी के जरिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मुख्तलिफ टाइप के डॉक्यूमेंट बनाएंगे। और इन डॉक्यूमेंट को ये क्लासेस सिर्फ थ्योरी बेस्ड नहीं होगी बल्कि प्रैक्टिकल बेस्ड भी होगी, और इसीलिए आपसे बार बार रिक्वेस्ट की जाती है कि आप हमारा फेसबुक का ग्रुप है वो ज्वाइन कर लें, ताकि वहाँ पर कुछ असाइनमेंट वगैरह भी असाइन किए जाएंगे और कुछ आपसे प्रैक्टिकल का काम भी करवाया जाएगा। तो आप सब वहाँ पर ज्वाइन करेंगे तो एक कंप्लीट कम्युनिटी बन जाएगी, और वहाँ पर आप अपने असाइनमेंट हमें सबमिट भी करवाएंगे, जमा करवाएंगे, और उसी असाइनमेंट की बेस्ट पर हम आपको मार्क्स भी देंगे, और उससे ये होगा कि आपको सीखने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। होप कि आपको आज की क्लास समझ आई होगी। अगर इस क्लास से रिलेटेड अगर आपका कोई सवाल हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, अदरवाइज हमारा फेसबुक का ग्रुप है आईटी स्पॉट कम्युनिटी ग्रुप, वो आप लाजमी ज्वाइन कर लें, या तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, आईटी स्पॉट का ऑफिशियल चैनल, आईटी स्पॉट की ऑफिशियल आईडी इंस्टाग्राम की आप वहाँ ज़रूर फॉलो कर लें, और वहाँ पर भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के सेकंड ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।